जिया की मॉम और मनीषा के पापा में क्या फर्क था जब इनकी बिग बॉस के घर में एंट्री होती है? वेल, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या जरूरी है किसी के बच्चे का मजाक उड़ाना? यहाँ पर मनीषा के पापा आए थे, वो बहुत ही प्यार से सबसे मिले थे। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा कि जब मनीषा के पापा चले जाते हैं ना, क्योंकि जिस तरीके की उनकी वाइब्स थी, जब वो जाते हैं ना तो जिया बहुत ज़्यादा रोती है और उस वक्त मनीषा रानी वो बंदी होती है जो कि जिया को हग करती है। और जब आज के एपिसोड में हम देखते हैं तो जिया की मॉम मनीषा का मजाक उड़ाती है कि मतलब ये ज़्यादा बोलती है, इनफैक्ट वो तो अपनी जो टीवी है ना उसको भी म्यूट कर देती है, पच पच पन्ने का बोलती रहती है, तो मजाक उड़ाती हुई नजर आई। बस यही एक फर्क है मनीषा के पापा में और यही एक फर्क है जिया की मॉम में। इनफैक्ट मनीषा बहुत ज़्यादा इंसानियत वाली बंदी मुझे लगती है, क्योंकि जिस तरीके से जिया अब अचानक से फेम ग्रुप में घुसने की कोशिश कर रही है और कोई बंदी होती, इनफैक्ट बाहर बैठी आशिका को ये चीज़ नहीं पसंद आ रही है। अफकोर्स किसी को नहीं पसंद आई, क्योंकि फैंस को भी बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, लेकिन मनीषा वो बंदी है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उसने एक बार भी इस चीज़ को नहीं बोला। इनफैक्ट उसने बोला है कि जिया इस ग्रुप में आती तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ उसने बोली है। तो बहुत ही इंसानियत से भरी बंदी है। और इनफैक्ट जब जिया की मॉम जाती है ना तो वो तारीफ भी करती है कि तुम्हारी मॉम कितनी ज़्यादा स्वीट है, कितनी अच्छी है, ये है वो है। लेकिन जिया की मॉम क्या करती है, वो मनीषा का मजाक उड़ाती है, उसके बोलने का मजाक उड़ाती है, इनफैक्ट उनको तो इतना बुरा लगता है वो टीवी भी म्यूट कर देती है। फिलहाल मुझे जिया की मॉम की ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि आप किसी की बच्ची को टारगेट कर रहे हो। उसके भी पापा आए थे, वो सभी से प्यार से मिले, वो उन्होंने किसी एक बंदे या बंदी को बिग बॉस के घर में आकर के टारगेट नहीं किया, वो सबसे बहुत ही स्वीट तरीके से, बहुत ही प्यार तरीके से मिले। और ये चीज़ मुझे अंकल की इतनी ज़्यादा अच्छी लगी। भले एक इंसान छोटे शहर से आता है, लेकिन देखो ना कि एक छोटे शहर से आने वाले इंसान भी ऐसे हैं जिनको कहा जाता है छोटे शहर से, लेकिन ये छोटे शहर से आने वाले ऐसे हैं जिन्होंने सबका दिल जीता और जाते जाते रुला करके भी गए, यानी कि आप कनेक्ट हुए। लेकिन आपकी मॉम जो कि एक बड़े शहर से आती हैं फिर भी एक बंदी का मजाक उड़ा करके गई, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वेल, आपने क्या कहना है? थैंक यू।